देखो इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली हैवेल कंपनी ने एक ट्रेडमार्क इंडिया में रजिस्टर किया था। अब हैवेल कंपनी की ये अपकमिंग एसयूवी कार होने वाली है जिसको ग्लोबल मार्केट में 2020 में लॉन्च किया गया था। बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन है कि ग्रेट वॉल मोटर कंपनी इंडिया में लगभग $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाली है और इसका जो प्लांट है, इसका प्लांट का काम तलेगांव यानी महाराष्ट्र में शुरू भी हो चुका है। तो यहाँ पर हमें बहुत जल्दी ग्रेट वॉल मोटर की पहली कार इंडिया में देखने को मिल जाएगी। हैवेल की ये अपकमिंग कार एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार होने वाली है जिसके इंटीरियर में काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कार को ऑफरोडिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। ये कॉम्बिनेशन है ऑफरोडिंग का और परफेक्ट एसयूवी का, तो इसके एक्सटीरियर का लुक भी काफी जबरदस्त है और इसके इंटीरियर में आपको कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस कार की लेंथ है 4620 मिलीमीटर की, जो कि महिंद्रा XUV700 के मुकाबले 75 mm कम है। इसके अलावा टाटा हैरियर के मुकाबले इसकी लेंथ 22 mm ज्यादा है। इसके अलावा इस कार की विड्थ है 1890 mm की, जो कि XUV700 के बराबर है लेकिन हैरियर के मुकाबले 4 mm कम है। वही इस कार की हाइट है 1780 mm की, जो कि XUV700 के मुकाबले 25 mm ज्यादा है और हैरियर के मुकाबले लगभग 74 mm ज्यादा है। तो यहाँ पर इस कार की जो लेंथ है वो आपको XUV700 से थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी और हैरियर से थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस कार की हाइट XUV700 और हैरियर से थोड़ी सी बड़ी है। अब यहाँ पर मैंने XUV700 और हैरियर के साथ इसलिए कंपेयर किया क्योंकि इस कार के अंदर हमें 5 सीटर और 7 सीटर वाला कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके जो डायमेंशन है वो हैरियर के आसपास आ जाते हैं, लेकिन इसकी हाइट आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। वही अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ग्लोबल मार्केट में इस कार के अंदर 2 पेट्रोल इंजन दिए जाते हैं और दोनों ही टर्बो इंजन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाता है। इसके अलावा 2.0 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल इस कार के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि टाटा हैरियर के अंदर आज के डेट में सिर्फ डीजल इंजन दिया जाता है, लेकिन बहुत जल्दी टाटा हैरियर के अंदर भी हमें पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर टाटा कंपनी फिलहाल के लिए काम कर रही है। वही जो पावर आउटपुट बताई जा रही है वो लगभग 160 bhp से लेकर 210 bhp तक होने की उम्मीद है, यानी इसका 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन लगभग 210 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा इसके अंदर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा या फिर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ इस कार को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इसका एक्सटर्नल लुक काफी जबरदस्त है। ये कार फ्रंट से दिखने में फोर्ड की ब्रॉन्को की तरह ही लगती है और रियर से और साइड से ये कार दिखने में एक कंप्लीट एसयूवी कार लगती है। इसका साइड प्रोफाइल काफी ज्यादा मर्सिडीज की GLS की आपको याद दिला देगा। हालांकि इसका जो फ्रंट फीशा है और इसका जो रियर का फीशा है, इसका जो डिजाइन है, ये आपको लगभग ऑफ रोडर कार और एसयूवी कार का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। इसके फ्रंट के बंपर्स आप देख सकते हैं और इसके रियर के बंपर्स भी आप देख सकते हैं। दोनों ही बंपर आपको स्पोर्टियर और थोड़े से बड़े देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस कार को आप ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके फ्रंट फीशा में जो ग्रिल का इस्तेमाल किया हुआ है, काफी यूनिक ग्रिल का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा सर्कुलर फॉर्मेट में LED DRL इसके अंदर दिया जाता है, जो कि बाईफंक्शनल LED DRL है और DRL के अंदर आपको फुल LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर LED फॉग लाइट का सेटअप भी दिया जाता है और इसका फ्रंट फीशा आपके सामने है। फ्रंट से दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो इसका साइड प्रोफाइल भी काफी कमाल का है। इसके अंदर फंक्शनल रूफ रेल्स दिए जाते हैं, काफी बड़े रूफ रेल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा इस कार के अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके फेंडर्स आप नोटिस कर सकते हैं, काफी बड़े फेंडर्स इसके अंदर दिए जाते हैं और इसके साइड क्लैडिंग के ऊपर आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। वही इसके विंडो के ऊपर और विंडो के नीचे आपको बहुत बड़ी क्रोम की लाइन देखने को मिल जाएगी और ये वाला पार्ट आपको मर्सिडीज GLS की याद डेफिनेटली दिला देने वाला है। इसके अलावा रियर का फीशा आप देख सकते हैं, हालांकि इसके जो रियर के टेल लाइट्स है ये बाकी के हैवेल की कारों की तरह ही आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यानी जिस तरह से बाकी हैवेल्स की कारों के अंदर टेल लाइट दिए जाते हैं, सेम टाइप का डिजाइन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इस कार के अंदर और ये LED टेल लाइट दिखने में थोड़े से कूल लगते हैं। इसके अलावा हैवेल की बड़ी ब्रांडिंग आप रियर में देख सकते हैं और बहुत बड़े
बम्पर्स इसके रियर में दिए हुए है। इसका एक्सटर्नल लुक काफी जबरदस्त है, लेकिन इस कार के इंटीरियर में बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स दिए जाते हैं। जैसे कि इस कार के इंटीरियर में आपको सिंगल टोन और ड्यूल टोन कलर का थीम देखने को मिल जाएगा। बहुत ही प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है डैशबोर्ड के ऊपर, सीट्स के ऊपर, आर्मरेस्ट अपहोल्स्ट्री के ऊपर, इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। तो यहाँ पर इस कार के अंदर काफी प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा ड्राइवर के लिए मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलने वाला है। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन है वो आपको बाकी हैवेल कारों की तरह ही देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, आपको काफी बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसका डिजाइन डेफिनेटली बड़ा है और अच्छा खासा दिखने में भी है। यहाँ पर गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर भाई के तो डेफिनेटली मजे होने वाले है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए इस कार के अंदर 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस कार के अंदर कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी दिया जाता है। इस कार के जो फ्रंट के सीट है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी, इसके अंदर जो आर्मरेस्ट दिया जाता है वो बहुत ही बड़ा आर्मरेस्ट दिया जाता है। तो डेफिनेटली इस कार के अंदर बहुत ही प्रीमियम फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। वही इस कार के अंदर पैनोरामिक सनरूफ भी दिया जाता है, जो कि आज के डेट में सब लोग पसंद करते हैं। वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और बाकी के फीचर्स को हैवेल की इस कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एक्सटीरियर भी जबरदस्त है, इंटीरियर के फीचर्स भी कमाल के हैं, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा ये कार XUV700 टाटा हैरियर क्रेटा सेल्टोस को टक्कर दे पाती है या फिर नहीं। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसको mid-2022 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया है कि हैवेल कंपनी March 2022 तक अपनी पहली कार इंडिया में रिवील कर सकती है। रही बात कीमत की, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि ये कार कंपनी इस कार को किस सेगमेंट में इंडिया में लॉन्च करती है। क्रेटा सेल्टोस के सेगमेंट में अगर इसको लॉन्च किया जाता तो इसकी कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। XUV700 और हैरियर के सेगमेंट में इसको अगर उतारा जाता है तो इसकी कीमत 15 लाख रुपए के ऊपर रहेगी, और अगर इसको जीप कंपास के सेगमेंट में उतारा जाता है तो इसकी कीमत 17-18 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जब इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।